नेक्सोन को अगर आप सीएनजी में लेने निकलते हैं ना, तो अगर आप पेट्रोल से प्राइस कंपेयर करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 1,33,000 रुपये आप लोग की नेक्सोन सीएनजी के अंदर महंगी बैठती है। ये इसका सेकंड बेस वेरिएंट यहाँ पे खड़ा हुआ है, प्योर एस वेरिएंट। अगर जैसे देखो गाड़ी के अंदर में एक स्मार्ट वेरिएंट आता है, स्मार्ट के अंदर में आप लोग को चॉइसें मिल जाती हैं, कहते हैं प्योर वेरिएंट, प्योर के अंदर में प्योर एस वेरिएंट जो यहाँ पे खड़ा हुआ है। आज की वीडियो में आप लोग को डिटेल बताऊंगा कौन कौन से फीचर्स जो हैं इस गाड़ी के अंदर में आप लोग को मिल जाते हैं। इस गाड़ी का सीएनजी के अंदर में मैंने माइलेज टेस्ट कर रखा है, इस गाड़ी को सीएनजी के अंदर मैंने पहाड़ पे भी चढ़ा रखा है, इस गाड़ी का सीएनजी के अंदर में मैंने वाइब्रेशन टेस्ट भी कर रखा है। अगर आप वो तीनों वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इस गाड़ी का जो प्राइस है प्योर एस वेरियंट का, आप लोग का गुड़गांव हरियाणा में 12,62,000 रुपीज़ कॉस्ट करता है। वहीं अगर आप गाड़ी का टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट देखोगे तो गुड़गांव हरियाणा में 16,50,000 रुपीज ये कॉस्ट करता है, ऑन रोड प्राइस की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप टाटा की कोई भी गाड़ी जल्द से जल्द और अच्छे रेट पे लेना चाहते हैं तो डीलरशिप का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो नीचे स्क्रीन पे मैं आप लोग को शो कर दूंगा। गाड़ी की तो वही है भाई, जैसे अपनी नेक्सोन के अंदर में नॉर्मली आती है, लॉक अनलॉक फॉलो मी हेडलैम्प कैपे स्विच मिल जाता है। और जो दूसरी की है इसके अंदर में कोई सेंटर लॉकिंग के लिए आप लोग को बटन वगैरह नहीं मिलते हैं। गाड़ी को लॉक करने पर वही है भाई, कोई आवाज़ नहीं करेगी, अनलॉक करने पर भी जो गाड़ी कोई भी आवाज़ यहाँ पे नहीं करने वाली है। और जो गाड़ी के ORVMs है वो यहाँ पे आप लोग को ऑटो फोल्ड वाले नहीं मिलते हैं। और भाई ये चीज बहुत बढ़िया है कि गाड़ी के अंदर में आप लोग को प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिल जाती है, बट फॉग लाइट्स जो आप लोग को गाड़ी के अंदर में यहाँ पे नहीं मिलेगी। LED में DRLs यहाँ पे मिल जाएंगे और इंडिकेटर्स भी जो है आप लोगों को गाड़ी के अंदर में LED वाले मिल जाते हैं। कलर वाइज जैसे देखोगे भाई, शुरुआत में जब कंपनी ने इस कलर को निकाला तब तो देखने में भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा लग रहा था। बाकी कलर एक सब्जेक्टिव चॉइस होती है, किसी को कोई कलर पसंद आएगा, किसी को कोई पसंद आएगा। मुझे तो भाई बेसिकली इस गाड़ी के अंदर में रेड और वाइट इस तरीके के कलर ज़्यादा पसंद आते हैं। बाकी ग्रेज इनको लेना चाहते हैं तो वो इस कलर को भी यहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं। गाड़ी के अंदर में 208mm का आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। फ्रंट जो है गाड़ी के अंदर में डिस्क आता है, बट जो रियर है यहाँ पे आप लोग को ड्रम ब्रेक ही मिलता है। गुड ईयर के गाड़ी के अंदर में टायर्स आ जाते हैं और जो सेक्शन है 195/60R16 इंच का यहाँ पे मिलता है। कंपैरिजन देखोगे ना तो भाई ब्रेजा आ जाती है, पर भाई ब्रेजा के अंदर में आप लोगों को ना तो सेफ्टी मिलती है, वो 4 स्टार स्कोर करती है, बट जो ये गाड़ी है अपनी 5 स्टार यहाँ पे स्कोर करती है। और ऊपर से टर्बो इंजन के अंदर में आप लोग को यहाँ पे CNG मिल जाती है। ऊपर से गाड़ी के अंदर में जो बूट स्पेस है वो भी आप लोग को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सा मिल जाता है। और प्राइस वाइज देखोगे ना, इसका भी बेस वेरियंट और उसका बेस वेरियंट, तो इस नेक्सोन का बेस वेरियंट CNG के अंदर में आप लोग को पे सस्ता बैठता है। पर टॉप एंड देखोगे तो जाहिर सी बात है जो अपनी नेक्सोन CNG है वो अपनी ब्रेजा CNG से महंगी यहाँ पे बैठती है। पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में यहाँ पे ORVMs मिल जाते हैं, LED इंडिकेटर्स भी आ जाते हैं, बट जो गाड़ी के डोर हैंडल्स यहाँ पे दिए गए हैं ये आप लोग को अनपेंटेड मिलेंगे। विंडो के नीचे कोई पियानो ब्लैक फिनिश का यूज आप लोग को नहीं मिलने वाला है। प्योर एस वेरियंट के अंदर में क्या है, आप लोग यहाँ पे प्लास्टिक में रूफ रेल्स मिल जाएगी और सनरूफ भी क्या है आप लोग को प्योर एस वेरियंट के अंदर में यहाँ पे मिल जाती है। बैक प्रोफाइल में भाई यहाँ पे कोई आप लोग को डिफोकर नहीं मिलेगा, वाइपर नहीं मिलेगा और यहाँ पे क्या है आप लोग को स्पॉइलर मिल जाएगा। शार्क फिन का एंटीना भी जो है इस गाड़ी के अंदर में यहाँ पे आ जाता है और पीछे की तरफ में पार्किंग सेंसर्स भी जो है इस गाड़ी के अंदर मिल जाएंगे, बट कैमरा जो है आप लोगों को गाड़ी के अंदर में यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। टेलगेट को ओपन करने के लिए यहाँ पे भाई जाहिर सी बात है आप लोग को मैग्नेटिक स्विच भाई नहीं है यार, भाई इस वाले वेरियंट के अंदर कोई मैग्नेटिक स्विच नहीं मिलता। पर एक चीज़ है, एक हैक है, जैसे आप इसके फॉलो में हेडलैम्प वाला बटन है ना, इसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो जो गाड़ी का टेलगेट है वो यहीं से ही आप लोगों का ओपन हो जाता है। ये चीज़ ना सिर्फ आपको नेक्सोन के अंदर मिलेगी, पर जैसे टियागो आती है उनके अंदर में ये वाला फीचर आप लोग को नहीं मिलता है। 321 लीटर का गाड़ी के अंदर में यहाँ पे बूट स्पेस आ जाते हैं, पार्शल ट्रे भी आप लोग को मिल जाती है और बढ़िया बात क्या है कि स्पेयर व्हील भी आप लोग को यहाँ पे मिल जाता है, बट वो ना स्पेस सेवर वाला ही स्पेयर व्हील आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। 30 लीटर के जो है CNG के टैंक आप लोग को यहाँ पे मिल जाते हैं। 9 kg CNG जो है इस गाड़ी के अंदर में यहाँ पे आ जाती है, अगर अच्छा खासा प्रेशर रहता है तो। प्रेशर कम रहेगा तो जाहिर सी बात है जो CNG है वो गाड़ी के अंदर में कम ही आप लोगों की आएगी। इंटीरियर्स दिखाते हैं भाई क्या क्या चीज़ें आप लोग को मिल जाती है इंटीरियर्स में। 4 पावर विंडो के जो है स्विचेज यहाँ पे मिल जाएंगे, रिफ्लेक्टर आप लोग को यहाँ पे डोर में मिल जाएगा, बट यहाँ पे कोई हाइट एडजस्टेबल सीट आप लोग को नहीं मिलती है। फैब्रिक की सीट अपहोल्स्टर यहाँ पे मिल जाएगी और गाड़ी के अंदर में 6 एयरबैग्स यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे जो ऊपर वाले वेरिएंट आते हैं ना उनके अंदर में भी फैब्रिक की सीट अपहोल्स्टर आती है, बट जो फैब्रिक का थोड़ा सा अच्छा सा आता है, नीचे वाले वेरिएंट में ना थोड़ी हल्की क्वालिटी के फैब्रिक का ही यूज़ आप लोगों को मिलेगा। गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए कोई इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच यहाँ पे नहीं आता है, की लगा के जो है आप लोग गाड़ी को यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा।
जो स्टेयरिंग व्हील है ना इस गाड़ी का, वो आप लोग को यहाँ पे फ्लैट बॉटम वाला ही मिल जाता है। कोई लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील इस गाड़ी के अंदर में यहाँ पे नहीं आता है। क्रूज़ कंट्रोल तो भाई टॉप एंड वेरिएंट के अंदर में आप लोग को नहीं मिलेगा, सिर्फ म्यूजिक सिस्टम के लिए आप लोग को यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाएंगे। इंजन स्टार्ट स्टॉप आप लोग को नहीं मिलेगा। पर भाई ये टाटा ने इस चीज़ को नहीं सुधार रही है, ये छेद सा पता नहीं क्यों छोड़ देती है। अगर ये पूरा बंद से हो जाए तो देखने में ज़्यादा बढ़िया लगे। ऑटो हेडलैम्प्स जो हैं इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं, बट ऑटो वाइपर जो हैं और ऑटो वाइपर भी जो हैं इस गाड़ी के अंदर में आ जाते हैं। टैकोमीटर भी आ जाएगा बार्स में, स्पीडोमीटर आ जाएगा डिजिटली, सीएनजी ऊपर पेट्रोल नीचे की तरफ में, बट यहाँ पे कोई आप लोग को ट्रिप ए ट्रिप बी और ओडोमीटर टीपीएमएस जो है गाड़ी के अंदर नहीं मिलेगा। और टॉप एंड वेरिएंट में एक ये चीज़ बहुत बढ़िया थी कि सीएनजी के लिए कंपनी ने अलग ही ट्रिप वहाँ पे दे रखी थी। बैक कैमरा तो भाई गाड़ी के अंदर में आप लोग को मिलता ही नहीं है, छोटी सी टच स्क्रीन डिस्प्ले जो है इस गाड़ी के अंदर में यहाँ पे आ जाती है। अगर आप बैक कैमरा इंस्टॉल कराएंगे ना तो इसकी टच स्क्रीन डिस्प्ले के अंदर में ही यहाँ पे चल जाएगा। मैनुअल एसी गाड़ी के अंदर मिलता है, बट फील पूरी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वाली ही ये करता है। यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट और यूएसबी मिल जाएगा। भाई इसका एक और चीज़ बहुत बढ़िया है कि सीएनजी के अंदर जो बेस यूनिट आता है ना उसके अंदर में आप लोग को 6 गियर्स मिल जाएंगे, बट जैसे आप नॉर्मली पेट्रोल में देखोगे ना तो बेस यूनिट के अंदर में आप लोग को 5 स्पीड का ही गियर बॉक्स यहाँ पे मिलेगा। आर्मरेस्ट गाड़ी के अंदर नहीं आएगा, स्पेस पूरा है, यहाँ भी जो चाहो रख सकते हैं। और एक और चीज़ है कि गाड़ी के टॉप एंड वेरिएंट के अंदर में भी आप लोग कोई मोड्स नहीं मिलते, जैसे स्पोर्ट्स इको एंड सिटी मोड आता है ना वो टॉप एंड के अंदर में नहीं मिलते हैं। विजिबिलिटी वाइज भाई अभी देखो सीट कोई ऊपर नीचे होती है नहीं, पर यूँ है ठीक पोजिशन जो है इस गाड़ी के अंदर में से आ जाती है। फैब्रिक की सीट अपहोल्स्ट्री है तो इनके अंदर में से भी कम्फर्ट यूँ बिल्कुल ठीक आ जाता है। और साइड विंडो से भाई मैं मतलब लेवल से हल्का सा ऊपर जो है बैठा हूँ, तो विजिबिलिटी वाइज नो डाउट भाई गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और एक और चीज़ है देखो, अपनी जो लैंग्वेज रहती है ना हरियाणवी भाषा, तो उसके अंदर में थोड़ी वर्डिंग अलग अलग हो जाती है, तो आप वो चीज़ को थोड़ा सा नोट किया करो। मतलब ऐसे नहीं कि उस चीज़ को आप बोलो कि भाई ये कैसे बोल रहा है ये कैसे बोल रहा है, बोलना नहीं आता। वो भाषा का फर्क हो जाता है अपने आप, कहीं और की भाषा बोलते हैं तो वहाँ पे कुछ चीज़ें बोलोगे तो उनमें वर्ड में कुछ अलग अलग टोन आएंगी। अपने हरियाणा के अंदर में वर्ड के अंदर में अलग अलग टोन आप लोग को देखने को मिलेगी। यहाँ पे पावर विंडो का स्विच यहाँ पे मिल जाएगा और पीछे की तरफ में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएगा, बट सेंटर में कोई आर्मरेस्ट नहीं आएगा। 3 3-पॉइंट सीट बेल्ट और आइसोफिक्स सीट भी जो है गाड़ी के अंदर में यहाँ पे आ जाएगी। सीट ना 6 फुट से ज़्यादा पीछे हो रखे तो नीज तो भाई अड़ी गए, बाकी जो लेग रूम है वो आप लोग गाड़ी के अंदर में बढ़िया से मिल जाते हैं। पीछे की तरफ में एयर के वेंट्स भी आप लोगों को मिल जाते हैं, पीछे से कुछ ऐसे लगते हैं इंटीरियर्स देखने में। और सनरूफ भी जाहिर सी बात है आप लोग को मिल जाएगी। देखो जो ब्लाइंड है ना ये थोड़ा सी ओपन होता है, बट इसे सनरूफ खोलोगे ना तो ब्लाइंड और इसका पीछे की तरफ में यहाँ पे चला जाएगा। इंजन तो वही है पेट्रोल वाला 1.2 लीटर का और ये 99 bhp और 170 nm का टॉर्क आप लोग को निकाल के देगा। ऊपर की तरफ में इंसुलेशन मिल जाएगी। माइलेज में आप लोग को नहीं बताऊंगा, अगर आप इस गाड़ी की माइलेज देखना चाहते हैं ना तो आप जाके वो वीडियो देखना भाई। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम, जय बजरंगबली।